हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में कहा था कि जो मेरा अगला वीडियो होगा, अगली अपनी क्लास होगी, उसमें आपको जितनी भी हमने भू संसाधन और कृषि वाले चैप्टर में फसलों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है, उन फसलों की एक मैं सारणी आपके सामने लेके आऊँगी, जिससे कि आपको एक नज़र में सभी फसलों के जो सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है, कुल बोई क्षेत्र का प्रतिशत है, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है उस फसल का, और उस फसल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, इसके बारे में मैं एक आपको सारणी प्रेजेंट करूंगी, ठीक है। तो आज हम उसी सारणी को देखते हुए अपना अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से भू संसाधन और कृषि में सभी फसलों को अच्छे से अध्ययन किया है, ठीक है, जो भी उसकी डिटेल स्टडी है उसके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब एक नज़र आप इस सारणी पर देखेंगे, सारणी पर डालेंगे तो आपको ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा कि जितने भी राज्य हैं उनके बीच में आप कन्फ्यूज़न ना हो कि कोई सी फसल का जो प्रथम राज्य है वो कौन सा आता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले अनाजों के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई अनाज में जो आपके सिलेबस में शामिल है, चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, जिसमें चावल और गेहूं उत्तम अनाज में आते हैं और ज्वार, बाजरा, मक्का जो है वो मोटे अनाजों में आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अनाज है, अनाज का देश में कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 54%। भारत विश्व का 11% अनाज का उत्पादन करता है और अमेरिका और चीन के बाद में भारत का अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान है, हमने पढ़ा है। इसको एक सारणी के रूप में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसी प्रकार से जो पहला अनाज हमने पढ़ा था, चावल, चावल के बारे में हमने पढ़ा था, ये एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। किस प्रकार की फसल है चावल? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में और 1/4 भाग इसके ऊपर जो कुल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत है वो कितना है, 1/4 भाग पर। भारत विश्व का 21.9% चावल का उत्पादन करता है और चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो अगली फसल देखेंगे उसमें हम देखते हैं गेहूं। गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाएगा, उसके बाद में कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत 14 है, भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादित करता है और ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो मोटे अनाज में हमारे आ जाते हैं ज्वार, बाजरा और मक्का, जो कुल बोए क्षेत्र के 16.5% भाग पर आता है। इसमें हम अगर सबसे पहले मोटे अनाज की बात करें तो ज्वार, ज्वार में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का और 5.3% कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत है। फिर बाजरा में प्रथम स्थान है राजस्थान का, कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत है 5.2। मक्का में प्रथम स्थान कर्नाटक और कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत है 3.6। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दालें। दालों की अगर बात करें तो दालों में जो प्रमुख क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा जो दालें हैं वो दक्कन के पठार, उत्तर पश्चिमी शुष्क भाग में मिलती हैं, ठीक है। कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत 11% है। इसके बाद में हम जो प्रमुख दालें अगर लें बात करें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं चना और अरहर की दाल। चने की बात करें तो ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है और कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत है 2.8%। अरहर की बात करें तो इसको हम तुअर की दाल भी कह सकते हैं, तुअर या लाल चना या पिजन पी भी कह सकते हैं, जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक और कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत है 2%। इसके बाद में हम देखते हैं तिलहन। तिलहन की अगर बात करें कि जिन फसलों से तिल निकाला या तेल निकाला जाता है तो इसमें जो सबसे प्रमुख क्षेत्र आएंगे उनमें हम मालवा का पठार, मराठवाड़ा, उत्तर पश्चिमी शुष्क भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा प्रदेश ले सकते हैं और कुल बोए क्षेत्र का प्रतिशत पे 14% भाग पर तिलहन का उत्पादन होता है, ठीक है। अब इन तिलहन फसलों में हम ले सकते हैं, सबसे पहले हैं मूंगफली। मूंगफली की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है गुजरात में
और कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत में 3.6 और भारत विश्व का 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं तोरिया व सरसों, जो एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय फसल है। सबसे ज़्यादा सरसों होती है राजस्थान में, कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है 2.5%। इसके बाद हम लेंगे सूरजमुखी, जो राजस्थान व कर्नाटक में आ जाएगी, ठीक है, राजस्थान व कर्नाटक। इसके बाद देखते हैं हम कपास, कपास का सर्वाधिक उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र आ जाएंगे, कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है 4.7। चीन के बाद कपास उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है। इसके बाद हम देखते हैं जूट, जो सबसे अधिक होती है पश्चिम बंगाल में, 0.5% कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है और विश्व में, जो भारत विश्व का है, वो 60% जूट का उत्पादन करता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं आगे गन्ना, गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह है उत्तर प्रदेश, उष्णकटिबंधीय फसल है, कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है 2.4, भारत विश्व का 19% गन्ना उत्पादन करता है और ब्राज़ील के बाद भारत का गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसके बाद हम ले सकते हैं चाय, जो उष्ण उपोष्णकटिबंधीय फसल है, असम और ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे अधिक होती है, जो असम के कुल भूमि क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय होती है, ठीक है, और 21.7% भारत विश्व का 21.7% चाय का उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देशों के अंदर हम बात करें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, किसमें, निर्यातक देशों में, ठीक है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कॉफ़ी, कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, जो सबसे अधिक होती है कर्नाटक में, लगभग कर्नाटक अकेला 90% कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ठीक है। भारत विश्व का 3.4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है और कॉफ़ी उत्पादन में अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, होंडुरस और पेरू के बाद 8वां स्थान भारत का आता है, ठीक है। प्रथम स्थान जो आता है वो किसका है, कॉफ़ी उत्पादन में, ब्राज़ील का प्रथम स्थान आप देख सकते हैं इसमें कॉफ़ी उत्पादन में है ब्राज़ील, और 8वां स्थान है भारत का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये पूरी सारणी है वो आपके सामने एक नज़र में पेश की गई है, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से देख के, समझ के और याद कर सके। इसको जब आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक अच्छे से याद हो जाएगी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस सारणी को ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, गुड लक टू ऑल।